सबसे पहला सवाल तो शिराज से है कि आपको ये कैसे आइडिया आ गया बेटा कि मुझे अपनी ऐसी वीडियोस बनानी है और मुझे इतने ज्यादा लोग जो आपको देख रहे हैं, आपके फैन हैं, उनको अपनी ये वीडियो दिखानी है। मुझे भी बहुत शौक था। अच्छा, अब फिर कैसे सोचे शिराज ने कि मैंने ऐसी वीडियो बनानी है? आप इतना प्यारा कैमरा पकड़ते हो, आपको किसने सिखाया? किसने भी नहीं। अच्छा, किसी ने भी नहीं सिखाया? तो आपके जो पीछे बाबा बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाया? आपने किसी को तो देखा होगा ना वीडियो बनाते हुए? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताए तकी साहब, आप मुझे बताएं, ये आपको कब पता चला कि जो शिराज है ये आपका फोन लेके छुप छुप के कहीं ना कहीं अपनी वीडियो बनाते हैं? ये आपको कब आइडिया हुआ कि शिराज ऐसे वीलॉग्स बना सकता है? जी बस आज से तकरीबन 14-15 दिन पहले ही की बात है ना। मुझसे अक्सर अपनी जो होमवर्क करने के बाद मेरा फोन लेके जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो गेम खेलते रहते हैं, लेकिन ये मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो व्लॉगिंग स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है। तो जब मैंने एक दिन देखा ना मोबाइल पे, उसने बहुत सारे क्लिप बनाए हुए थे, फिर मैंने देखा यार बच्चे ने तो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश किया है। फिर मैंने चल इसको थोड़ा एडिट करके ना टिकटॉक पे अपलोड किया था। उसके बाद अगले ही सुबह मैंने जब देखा तो 2.5 लाख व्यूज आए थे। फिर इस तरह से ना ये आगाज हुआ था। अच्छा, मुझे इस वक्त मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि तकी साहब और शिराज इस वक्त जहाँ बैठे हुए वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बड़ा ठंडा मौसम है। तो शिराज मुझे बेटा ये लोगों को बताओ ना कितने मजे की बारिश हो रही है, मेरे ऑडियंस को भी बताओ ना यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं कि बर्फ हो रही है, बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रहा है, ये देखो बहुत सारे बर्फबारी। शिराज हम बहुत सॉरी कहेंगे कि मुझे ये बताएं आप कि शिराज ज्यादा शरारती है या शिराज की बहन ज्यादा शरारती है? शिराज आप बताओ। क्या बताओ कि आप ज्यादा शरारती हो या आपकी बहन ज्यादा शरारती है जिसने कहा था वो 250 साल की है? मेरी बहन शरारती है। आपको तंग करती है मुझे ये बताओ। अच्छा शिराज, अब तो इतने लोग आते होंगे, आपके इतने फैन हैं, वो कहते होंगे शिराज हमारे साथ एक सेल्फी खींच, तो आते हैं? आते हैं। और क्या कहते हैं? और व्लॉग बनाते हैं। अच्छा, I'm sure कि आपको तकी साहब बहुत अच्छा और मजेदार फीडबैक आ रहा होगा, और ये एक ऐसा कंटेंट है, जितनी प्यारी शिराज वीडियोस बनाता है, हम अक्सर लोगों को देखते हैं वो जब कोई वीडियो बनाते हैं ना तो अगर कहीं तारीफें आती हैं तो कहीं ना कहीं बुरा कमेंट भी आ भी जाता है, लेकिन ये वाहिद ऐसी एक वीडियो है और वाहिद हमारे से वीलॉगर है जिसे सब लोग बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। आपको आपके गांव में जहां पर आप रहते हैं वहां पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी जी, यहाँ तो आसिन मैंने यहाँ पे इतना इंटरनेट का, इन चीज़ों का वायरल होने से क्या होता है, इनका इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मुझे बाहर की जो दुनिया से यहाँ हमारे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से जो फीडबैक आ रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने ना कभी इसके एक वो हेट कमेंट मैंने नहीं पढ़ा, मतलब बहुत लोग सराह रहे हैं इसको। हाँ बिल्कुल, आपसे और मैंने भी, हमने वाकई यही बात करी ना कि ये ऐसा वीलॉगर है वाहिद जिसको हर कोई प्यार कर रहा है चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक हो। मुझे बताओ शिराज, इसके बाद क्या करोगे? अभी बताओ, आज ट्यूशन जाना है, इतनी बर्फ पड़ी है, जाओगे आज? हाँ जाओगे ट्यूशन। अरे तो छुट्टी करने को दिल नहीं करता जब बर्फ पड़ती है? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं, उनको पसंद आती हैं शिराज की वीडियोस? पसंद आती हैं।
पसंद आती है। शहराज बहुत ही प्यारा है तकी साहब। वैसे आप अपने बच्चे की ना जरा नजर भी उतारिएगा, ये इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से, इसको हम देखते हैं। आपकी बेटी भी इतनी प्यारी है। मुझे बताएं आगे आप क्या देखते हैं, आप चाहेंगे कि शहराज अपने इस शौक को, जो इसको अपनी वीडियोज बनाने का शौक है, इसको लेके आगे बढ़े? जी जी बिल्कुल, अगर इसको शौक हो, अगर ये इसको कंटिन्यू रखना चाहें तो मैं इसको जरूर इंशाल्लाह सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले ना मेरी कोशिश यही होगी कि इसको अच्छी तालीम दें। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। और शहराज आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? बड़ा होके यूट्यूबर। बड़ा होके यूट्यूब चैनल खोलेंगे? जी। जबरदस्त, बड़ा होने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, अभी खोल लो शहराज आप यूट्यूब चैनल। आपके इतने फैन है, मैं भी इतनी फैन हूँ आपकी, मेरी पूरी टीम आपकी इतनी फैन है। चैनल खोला हुआ इसने। चले चले क्यों शहराज, बहुत शुक्रिया तकी साहब। शहराज बेटा बहुत बहुत है, और ज्यादा वीडियोस बनाओ, अपनी बहन के साथ वीडियोस बनाओ, हमें बहुत प्यारी वीडियोस लगती हैं और इतनी जबरदस्त वीडियोस हैं। मैं चाहूंगी कि मेरी टीम को एक वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दे, इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे। वैसे तो आपके घर में अगर बच्चे हों तो बच्चे आपका मूड बड़ा अच्छा कर देते हैं, बट इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे एट वर्क और एनीवेयर, हिज वीडियोज विल मेक यू स्माइल। वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं? मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। आज का जो दौर है ना, वो है व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग का। हर शख्स को ऐसा लगता है कि वो जो कंटेंट बना रहा है बस वही सुपरहिट है, लेकिन पिछले दिनों हमारी नज़र से गुजरा एक प्यारा सा छोटा सा वीलॉगर का वीलॉग, और अभी 15 दिन पहले, ऑलमोस्ट 15-16 दिन पहले ही वीलॉगिंग करने आगाज़ किया है, और उनका नाम है जी शहराज। आज उनकी उम्र है सिर्फ 6 साल, टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, और एक दिन की उनकी वीडियो पर 2,50,000 लाइक्स उनको मौसूल हुए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहराज और उनके वालिद मोहम्मद तकी, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल तो शहराज से है कि आपको ये कैसे आइडिया आ गया बेटा कि मुझे अपनी ऐसी वीडियोस बनानी है और मुझे इतने ज़्यादा लोग जो आपको देख रहे हैं, आपके फ़ैन हैं, उनको अपनी ये वीडियो दिखानी है? मुझे भी बहुत शौक था। अच्छा, और फिर कैसे सोचे शहराज ने कि मैंने ऐसी वीडियो बनानी है? आप इतना प्यारा कैमरा पकड़ते हो, आपको किसने सिखाया? किसने भी नहीं। अच्छा, किसी ने भी नहीं सिखाया? तो आपके जो पीछे बाबा बैठे हुए हैं उन्होंने भी आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाया? आपने किसी को तो देखा होगा ना वीडियो बनाते हुए? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं तकी साहब, आप मुझे बताएं ये आपको कब पता चला कि जो शहराज है ये आपका फ़ोन लेके छुप छुप के कहीं ना कहीं अपनी वीडियो बनाते हैं, ये आपको कब आइडिया हुआ कि शहराज ऐसे वीलॉग्स बना सकता है? जी बस आज से तकरीबन 14-15 दिन पहले ही की बात है ना, मुझसे अक्सर अपनी जो होमवर्क करने के बाद मेरा फ़ोन लेके जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो गेम खेलते रहते हैं,